सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डेरिवेटिव्स। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? सो बेसिकली डेरिवेटिव्स क्या हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ डेप्थ में, तो उस वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं डेप्थ में डेरिवेटिव्स क्या है। तो सीधा सीधा हम लोग बात करते हैं यहाँ भी कि डेरिवेटिव्स क्या है। बेसिकली सपोज एक पर्टिकुलर हाइट से अगर हम किसी बॉल को नीचे फेंकते हैं जब टी जीरो है, तो ये सपोज ये मतलब जो ये कर्व है, इसकी जो इक्वेशन है, सपोज एस इज इक्वल टू 4/4.9 स्क्वायर के लॉन्ग ये मूव करती है बॉल, तो आप सभी को पता है कि जब नीचे जब जब आती जाएगी बॉल, तो इसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो मान लो 2 सेकंड के बाद टी इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर मैं जो बॉल है उसकी स्पीड के बारे में पता करना चाहता हूँ, तो ये जो मेरे पास स्पीड आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जहाँ स्पीड उस टाइम के ऊपर क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टी, वो मेरे पास जो है वो डेरिवेटिव के थ्रू मिलेगा मुझे। उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो मुझे बेसिकली चाहिए डी एस ओवर डी टी, तो ये वो स्पीड मुझे मिलेगी जो पर्टिकुलरली t इज इक्वल टू 2 के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और इसको हम लोग डेल्टा s ओवर डेल्टा t कहते हैं। और ये कैसे मिलेगा हमें, लिमिट का बहुत बड़ा रोल है डेरिवेटिव्स में। और डेल्टा t अप्रोच टू 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लिमिट का फार्मूला है, सॉरी डेरिवेटिव का फार्मूला है। और बेसिक फार्मूले आगे मैं करवा रहा हूँ, मैंने बताया है कि एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है डेरिवेटिव के ऊपर। तो डेरिवेटिव क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों, हमारे सामने मतलब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमें मैथ्स में, कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम्स जो है हम लोग सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव के थ्रू, ये सारा उस लेक्चर में डिस्कस हुआ है। और लिमिट के बिना यहाँ हम लोग बात नहीं कर सकते डेरिवेटिव की, इसलिए लिमिट बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं, ये लिमिट क्या है ये, तो लिमिटिंग प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसके ऊपर हम लोग पहुंचे हैं। तो फॉर्मूले करते हैं, बेसिक फार्मूले क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चंस वाली साइड चलेंगे। डेफिनेशन क्या है, सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड ए इज अ पॉइंट इन इट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज डिफाइंड, रेट ऑफ चेंज इन एफ एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये अभी हमने बात की थी कि जो डेरिवेटिव है उसे हम क्या कहते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, उसी से ये रिजल्ट फर्दर बनाया गया है, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि चेंज इन y, इसे हम लोग f डैश a भी कहते हैं, f डैश a कहते हैं, ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a डिनोटेड बाई f डैश a। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, यही हमने अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ लिमिट, डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस, सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, द फंक्शन डिफाइंड बाय लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, ये क्या आ गया हमारे पास, वही चीज है, जनरल केस है f ऑफ x, ये है डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज है x के ऊपर, ये वही चीज। अब देखो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव किसके साथ डिनोट किया जाता है, एफ डैश एक्स के साथ। अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है कोई फंक्शन, तो डेरिवेटिव के लिए क्या किया जाता है, डी वाई बाय डी एक्स,
डी वाई बाय डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ डी एफ बाय डी एक्स भी कहा जाता है एट एक्स। अगर एक्स इज इक्वल टू ए के लिए कैलकुलेट करनी हो वैल्यू, तो डी एफ चाहे एफ डैश ए की बात कर लें, इसको एफ डैश ए भी कहा जाता है, जहाँ हम लोग डी एफ बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए कर लें। तो ऐसे मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ये डिनोट करने का तरीका है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर एफ एक्स है तो उसको एफ डैश डेरीवेटिव ऑफ एक्स, डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसे एफ डैश एक्स के साथ डिनोट किया जाता है। अगर वाई है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स को, तो उसको डी वाई बाई डी एक्स के साथ डिनोट कर सकते हैं, डेरीवेटिव डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो ये क्या है, डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से रीड करना है इसे, डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलजेब्रा है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर डेरिवेटिव अप्लाई करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स के ऊपर, तो इसको क्या किया जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह जो प्रोडक्ट और डिवीजन वाले हैं वो अलग केस हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो सीधा नहीं आएगा, जब एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप कोई फंक्शन है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, उनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा, तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, जी एक्स एज इट इज आ जाएगा, प्लस एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। एक तरह से अगर देखें तो अगर यू इंटू वी का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इट विल बी इक्वल टू यू इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। एक बार एक फंक्शन वैसे आएगा, साथ में उसका डेरिवेटिव, प्लस जिसका डेरिवेटिव पहले नहीं लिखा था उसको वैसे लिखेंगे दूसरे का डेरिवेटिव। इसी तरह अगर एफ एक्स ओवर जी एक्स टाइप कोई फंक्शन है, एफ एक्स ओवर जी एक्स टाइप कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस डेरिवेटिव एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स ओवर जी एक्स होल स्क्वेयर। इसको अगर यू ओवर वी की फॉर्म में बात करें, यू ओवर वी डैश क्या होगा, वी यू डैश माइनस यू वी डैश ओवर वी स्क्वेयर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब कुछ बात करनी है हमने, पहले तो बेसिक डेरिवेटिव्स की बात कर लें, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने लिमिट के थ्रू कैलकुलेट करने हैं, मैं पहले से रिजल्ट बता रहा हूँ कुछ। जैसे ये भी लिमिट के थ्रू रिजल्ट आया है, लिमिट एक्स रेज टू पार एन डी एक्स किसके इक्वल होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पार एन माइनस वन। डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन ओवर एक्स होता है, डेरीवेटिव ऑफ ई रेज टू पार एक्स ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स क्या होता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट स्क्वेयर सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टैन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। तो कोई मान लो हमारे पास वाई है, वाई फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फाइव है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स के साथ डिनोट करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी अभी फॉर्मूला लिखवाया आपको, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइव इंटू एक्स रेज टू पावर फाइव माइनस वन विच इज इक्वल टू फाइव एक्स रेज टू पावर फोर। इसी तरह डेरीवेटिव ऑफ वन कैलकुलेट करना हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, क्योंकि ये बेसिकली है क्या, वाई इज इक्वल टू अगर वन ले लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू वन है क्या, एक्स रेज टू पावर जीरो, तो एक्स रेज टू पावर जीरो के ऊपर भी वही फॉर्मूला लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला, जो एन वाला फॉर्मूला है, जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो माइनस वन, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो डेरीवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट, चाहे इसकी जगह टू हो, अगर टू भी हो कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है टू इंटू वन, तो टू इंटू वन का मतलब टू इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो, जब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। जब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ही जीरो आएगा।
लेकिन अगर डेरिवेटिव ऑफ हमने 3x कैलकुलेट करना है, तो ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर लिख लेंगे डेरिवेटिव ऑफ x, ये क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, उसी फॉर्मूले के थ्रू, और इसका आंसर आ गया 3। मैं x का डेरिवेटिव बता रहा हूँ, x का डेरिवेटिव मीन्स x पावर 1 का डेरिवेटिव, x पावर 1 का डेरिवेटिव मीन्स x 1 इंटू x पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू x पावर 0, 1 इंटू 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 ही आ गया x का डेरिवेटिव 1। ये कुछ चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है। अब हम लोग एक्सरसाइज वाली साइड चलते हैं, पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं डेरिवेटिव्स का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, अभी अभी डिस्कस हमने किया है कि एफ डैश ए क्या होता है, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है, एफ ऑफ 10, एफ डैश 10 कैलकुलेट करना है, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 10। तो यहाँ अगर एक्स है तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2 है, अगर एफ ऑफ 10 प्लस एच की बात करें तो एक्स की जगह 10 प्लस एच लिख देंगे, 10 प्लस एच होल स्क्वेयर माइनस 2। यहाँ हमने स्क्वेयर एक्सपेंड कर दिया है इसका, और स्क्वेयर एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई किया है, 100 वाली टर्म भी कैंसिल हो गई है, यहाँ से हमारे पास 2 वाली टर्म भी कैंसिल हो गई है, एच स्क्वेयर प्लस 20 एच ओवर एच बचा है, एच कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, लिमिट एच अप्रोच टू एच प्लस 20 बचा है, लिमिट जब पुट की हमने एच 0, तो 0 प्लस 20, 20 आंसर है इसका फाइनल आंसर। आप डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट कहाँ से, लिमिट से ही बना है, बेसिकली हमारे पास लिमिट के थ्रू ही डेरिवेटिव है, तो लिमिट के थ्रू ही हमने वो सारे रिजल्ट जो है वो ड्राइव किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। तो बेसिकली वही है, लिमिट एफ ऑफ एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। वही फॉर्मूला बार बार अप्लाई हो रहा है, जहां 99x था तो एफ ऑफ 100 प्लस एच कितना आ जाएगा, जहां एक्स है वहां 100 प्लस एच आ जाएगा। तो ये हमने अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया है, 99 एच ओ एच कैंसिल हो गया, अब 99 इसका आंसर आ गया है फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, अभी भी बात मैंने की है, फिर भी इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच। 1 प्लस जहां एक्स था, पहले एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल था, अब 1 प्लस एच क्या आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच 1 ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 ओवर एच, 1 कैंसिल हो गया, यहां पर एच ओवर एच क्या होता है वो भी 1, ये कैंसिल हो जाएगा, एच ओवर एच 1 बचा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है एफ डैश 1 वो क्या आ गया, 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। जो अभी मैंने बात की है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही किए हैं हमने, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट तो वन लाइन आंसर है, वन वर्ड, एक्स क्यूब माइनस 27। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच की बात करें तो जहां एक्स लिखा है वहां एक्स प्लस एच आ जाएगा, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, इसका क्यूब हमने आइडेंटिटी, देखो बेसिक मैथ्स बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी नहीं आती अगर आपको तो प्रॉब्लम है, इसलिए बेसिक मैथ्स के ऊपर भी आपने वर्कआउट करना है। एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस 27 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ, वही फार्मूला एफ डैश एक्स वाला। अब हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं फाइंड करना, हमने जनरली एफ डैश एक्स फाइंड करना है, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस 20, जो वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है वही हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3, ये कैंसिल हो गई है टर्म्स, एक्स क्यूब भी कैंसिल हो गया, 27 भी कैंसिल हो गया, जो टर्म्स बची है उसमें से एच कॉमन ले लेना न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाना है, और
कैंसिल होने के बाद जो बाकी बचता है वहां एच जीरो पुट कर देना, यहाँ भी एच जीरो पुट कर दिया, यहाँ भी हमारे पास क्या बचा, 3x2। तो फाइनल आंसर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें f(x)(x³ - 27) है, उसका डेरिवेटिव आ रहा है f'(x) आ गया 3x2। ये फाइनल आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाली साइड चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, f(x)-1 × x-2। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वाड्रेटिक आ गई है, x²-3x+2। f(x+) की जरूरत पड़ेगी हमें, x+h²-3 × x+h+2 x²+h²+2 x h-3। यहाँ इसको क्वाड्रेटिक को एक्सपेंड किया है, फिर हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, -3x-3h+2। f'(x)=lim(h)→0 f(x+h)-f(x)/h। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद x² भी कैंसिल हो गया है हमारा, x² भी कैंसिल हो जाएगा, 3x भी कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो गया, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। h²+2xh-3h बचा और उसमें से h कॉमन लेके कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर के साथ, और हमारे पास h+2x-3 बचा है, उसमें क्या करना है, h को 0 पुट कर देना है। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया गया है पहली एक्सरसाइज में। तो यहाँ h₀ पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 2x-3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका, f(x)=x+1/x-1। इसी तरह f(x+h) की बात करें तो जहाँ x लिखा है वहां हमने लिख दिया है जस्ट x रिप्लेस्ड विद x+h, सो x+h+1/x+h-1। सेम फॉर्मूला, f'(x)=lim(h)→0 f(x+h)-f(x)/h। f(x+h) और f(x) की वैल्यूज पुट कर दी है, एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया है 1/h, ये पहले बार लिख दिया है, बाकी दोनों टर्म्स न्यूमिरेटर वाली सॉल्व कर ली है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ -2h बचेगा, और ये h जो हमें और हमारे पास ऑलरेडी h था फॉर्मूले में, उस वो कैंसिल हो जाएगा, -2/x+h-1/x-1, वही एलसीएम चला आ रहा था, जहां लिमिट को 0 पुट कर देना है, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका -2/x-1² ये फाइनल आंसर है। ये फंक्शन आ गया है, हमने इसको सिंपलीफाई करना है, इसका डेरिवेटिव fx आ गया है। तो fx आपको बताया गया था कि 100 1/100 तो कांस्टेंट है, इसको साइड पे रखेंगे, x^100 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 100x^n। ये फार्मूला अप्लाई किया हमने, ये सारी टर्म्स के ऊपर अलग अलग फार्मूला, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको बताया था कि डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं अगर एडिशन के अंदर फंक्शन हो डिफरेंट। तो यहाँ f'(x) जो है उसमें क्या आ रहा है, नीचे कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐड हो रहा है तो फिर वो, जैसे यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ क्या हो गया, x^100 का डेरिवेटिव 100, x^99 90, x^99 का डेरिवेटिव 99, x^98। इसी तरह x² का 2x/2, x का 1 और 1 का 0, इसको सिंपलीफाई कर लिया हमने, x^99, 100 कैंसिल हो गया, 99 भी कैंसिल हो गया, इसी तरह 2 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, x^99 प्लस x^98 प्लस एक्स प्लस वन अप टू सो वन अप टू सो वन प्लस एक्स प्लस वन। ये प्रूव करना है हमने कि f'(1) किसकी इक्वल है, 100 टाइम्स f'(0। तो f'(1) कैलकुलेट किया है, 1 1 1, क्योंकि जब x को 1 पुट करोगे तो 1 ही आना है, 1 की पावर सभी 99, चाहे जितनी मर्जी पावर हो 1 की, तो 1 ही रहना उसने। ये देखो, अगर यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो कि ये x की पावर्स 1 से लेकर 99 तक जा रही हैं, तो इसका मतलब 99 टर्म्स ये हो गई, तो 1+1 ये 100 टर्म्स है, तो ये एपी का कंसेप्ट है। अगर सेम टर्म रिपीट हो रही है बार बार, तो कितनी बार रिपीट हो रही है, 100 टाइम्स, 1 रिपीट हो रहा है, 100 × 1 100 आ गया सम। f'(0) जो f'(x) था उसमें x को 0 पुट किया, सिर्फ 1 ही बचना है। इसी तरह अब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया f'(0) को,
तो वो किसके इक्वल आ गया, एफ डैश वन के इक्वल आ गया, क्योंकि एफ डैश वन भी 100 है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस ए रेज टू पावर प्लस अप टू सो ऑन ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन। ध्यान देना है, ए यहाँ पर ए और एन कॉन्स्टेंट है, एक्स एक्स वेरिएबल है, तो हमने एक्स को लिए फॉर्मूला वही लगाना है, एफ एक्स क्या आ गया, फिर वही लिख दिया रिपीट करके हमने। एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो गया, जब एफ डैश एक्स किया हमने तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ध्यान में रखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स यहाँ एक्स के एन एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, तो ए कॉन्स्टेंट एज इट इज रह जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी एन माइनस वन और एक पावर कम हो जाएगी एन माइनस वन एन माइनस टू। इसी तरह ए स्क्वायर वैसे आ जाएगा, एन माइनस टू नीचे आ जाएगी, पावर एन माइनस थ्री बन जाएगी, जहाँ ए रेज टू पावर एन माइनस वन है तो एक्स की डेरिवेटिव वन होता है, ए पावर एन माइनस वन ही रह गया, ए पावर एन की डेरिवेटिव जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि ए पावर एन जो है वो कांस्टेंट है। कुछ बच्चों ने यहाँ मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं, ए पावर एन का डेरिवेटिव एन टाइम्स ए रेज पर एन माइनस लिख सकते हैं, गलत है। इसी तरह बस इसको हमने लिख दिया है रिपीट करके, वही सारी टर्म्स हमने लिख दी हैं, जीरो को छोड़ दिया है, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया है, ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फाइंड द डेरीवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस, ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करने हैं। यहाँ हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट जो वहाँ से ड्राइव किया हुआ रिजल्ट है वो लगाएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी क्या होता है, यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कर रहे हैं एक्स एज एक्स माइनस ए एज इट इज, डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एज इट इज हमने लिख दिया है इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए एज इट इज, एक्स माइनस बी का डेरीवेटिव क्या होता है वन, एक्स का डेरीवेटिव वन, बी का जीरो, तो वन आ गया। इसी तरह एक्स माइनस ए का डेरीवेटिव वन आएगा, तो सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, ये आ गया है टू एक्स माइनस ए माइनस बी आना है, माइनस कॉमन लिख के ब्रैकेट में ए प्लस बी भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी होल स्क्वेयर, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा दी है, ए स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, अब डिफ्रेंशिएट किया है, ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, एक्स रेज टू पावर फोर के ऊपर अप्लाई होगा डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ध्यान में रखना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है तो एक्स रेज टू पावर फोर का डेरीवेटिव फोर एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है तो जीरो आ गया, प्लस टू ए बी कॉन्स्टेंट है तो एक्स स्क्वेयर का टू एक्स आ गया, सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ गया फोर ए स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब प्लस फोर ए बी इंटू एक्स। अब वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस बी, पहले एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी था, अब एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस बी, जहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होना है यू ओवर वी वाला, वी यू डैश माइनस यू वी डैश ओवर वी स्क्वेयर, तो यही हमने किया है। डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया, एक्स माइनस बी इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी होल स्क्वेयर, डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए वन है। उसी तरीके से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ ए माइनस बी बचेगा, फाइनल आंसर आ गया ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी होल स्क्वेयर। आगे बढ़ते हैं, एट्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन ओवर एक्स माइनस ए फॉर सम कॉन्स्टेंट ए। जो अभी अभी हमने मेथड लगाया सेम वही लगाया यू ओवर वी वाला, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस वी स्क्वेयर मीन्स एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर। यहाँ डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स पावर एन का, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन ए एन ए रेज टू पावर एन का जीरो आ गया, लिखा नहीं है एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए, एक्स माइनस ए जो है उसका डेरिवेटिव वन है तो एज इट इज। आगे हमने सिंप्लीफाई कर लिया है इसको, एक्स एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन ए मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ए एन ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस एक्स ए एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर, यही फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x - 3/4 dy/dx 2 आ गया इसका डायरेक्ट। बहुत सिंपल है, 3/4 कांस्टेंट है, 0 है, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 5x³ + 3x - 1 × x - 1, ये u इंटू वी अप्लाई होना है यहाँ पर, u इंटू वी। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, v डैश मीन्स dv/dx। तो उसी तरह से कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव v डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ हमने x माइनस वन का डेरिवेटिव वन ही होता है, 5x⁴ + 3x - 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3 = 15, पावर 2 हो जाएगी, प्लस 3 रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, -1 का 0। तो इसको फर्दर हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया है, dy/dx फाइनली क्या आ गया है 20x³ - 15x² + 6x - 4, ये हमारा फाइनल आंसर है डेरिवेटिव का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है y·x⁻³ - 3 × 5 + 3x, u इंटू वी अप्लाई होना है जैसे अभी किया हमने, x⁻³ - 3 एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 5 + 3x + 5x + 3x × dy/x⁻³ - 3, x⁻³ - 3 एज इट इज डेरिवेटिव 5x, 5 + 3x का 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3 लिख दिया है, प्लस साइन 5x + 3। अब x⁻³ - 3 का ध्यान से करना डेरिवेटिव, पावर नीचे आ गई -3, x की पावर कम हो जानी, -3 ऑलरेडी है -1, तो -4 हो गई पावर। अब हमने सिंप्लीफाई करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, -3 × 5 - 15, x की पावर -4 है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -9 आएगा, x की पावर कम हो जाएगी क्योंकि बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है, x⁻³ - 3 आएगा, -6x⁻³ - 3, -15x⁻² - 4, -3 हमने कॉमन ले लिया है, x पावर -3 भी कॉमन ले लिया है, 2 - 5x⁻²-1 बचा है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। y इज इक्वल टू 2/x + 1 - x² / 3x - 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों जगह u ओवर v अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट प्लेस के ऊपर u ओवर v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। यहाँ भी ऐसे u ओवर v अप्लाई करके बहुत सिंपल वे से, ये हमारे पास जैसे 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया है, -2 × x + 1 का डेरिवेटिव 1 आ गया है, 3x - 1 हमारे पास, ये सिंपलीफाई करके क्या आ गया है, जैसे ये 3x - 1 है, डेरिवेटिव ऑफ x² - 2x - x² / 3x - 1 3 आ गया, नीचे v² 3x - 1 होल स्क्वायर, सिंपलीफाई करते करते हम लोग पहुंच गए हैं -2/x - x+1 होल स्क्वायर, -3x² - 2x/3x - 1 होल स्क्वायर। इस ये मतलब वही फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, u इंटू वी या u ओवर v अप्लाई हो रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉज फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। उसी तरीके से f डैश x का रिजल्ट हमारे पास है f(x+h - f(x)/h, fx कितना है cos x, f डैश fx प्लस h क्या आएगा cos(x+h), f डैश x का जो रिजल्ट है यहाँ cos f(x+h) की वैल्यू cos(x+h - cos x)/h, यहाँ रिजल्ट है हमारे पास, ये आपको बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ये रिजल्ट था हमारे पास cos x - cos y = -2 × sin x + y/2 sin x - y/2, ये रिजल्ट यहाँ अप्लाई हुआ है, और ये इसे सीडी फॉर्मूले भी कहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं डेरिवेटिव में, तो काफी जगह ये अप्लाई होने, ये हमने रिजल्ट अप्लाई कर दिया है। यहाँ ध्यान से देखना है, नेगेटिव मैंने बाहर लिख लिया है, ये जो 2 है ये 2h के नीचे लगा के हमने यहाँ sin h/2 / h/2 करना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके जो डेरिवेटिव्स हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ रिजल्ट्स हैं लिमिट के जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वो जैसे नेगेटिव कॉमन लिया है, जो ये 2 है h के नीचे लिखा गया है, साइन h ओवर 2 ओवर h ओवर 2, लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट अलग कर दी। आपको बताया गया एफ एक्स इंटू जी एक्स के ऊपर अगर लिमिट की बात हो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में लेक्चर 1 में ये चीज बताई गई है। तो हमने साइन 2x प्लस एच ओवर 2 ये अलग कर दी है टर्म। ये कौन सा रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है, लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स अगर हो तो ये डायरेक्ट क्या होता है 1। तो जहाँ जो थीटा था हमारा वो एच की जगह एच ओवर 2 हो गया है, तो अगर एच 0 को अप्रोच करता है तो एच बाई 2 भी 0 को अप्रोच करता है। ये रिजल्ट सारे अप्लाई हो चुके हैं लिमिट पे, आपको बताया गया है लिमिट के रिजल्ट हैं जो वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। माइनस एज इट इज आ गया है इसका, इसकी वैल्यू 1 है। लिमिट एच अप्रोच टू 0, जस्ट लिमिट को 1 पुट कर देना है, सॉरी 0 पुट कर देना है एच को यहाँ पर। तो साइन 2x ओवर 2 क्या आ गया, साइन एक्स। तो वैल्यू कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स है। इनिशियल जो स्टेज थी इस लेक्चर की उसमें मैं बता चुका हूँ, इनिशियली जब हमने शुरू किया था स्टार्टिंग में लेक्चर के, तो वहां जो बताए थे बेसिक डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो ये याद भी रखने बड़े जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ यू इंटू वाई, यू इंटू वी अप्लाई किया है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। यहाँ साइन माइनस साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, कॉस स्केयर एक्स पहले लिख दिया, माइनस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी अप्लाई की है यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको उसके ऊपर अच्छी ग्रिप और सारी आइडेंटिटी सारे रिजल्ट्स आपको आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो फोर एज इट इज कॉन्स्टेंट माइनस 4 टाइम साइन एक्स, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ गया। वाई 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेकेंट एक्स, तो 3 टाइम्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस 5 टाइम्स कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस 3 टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 5 टाइम्स कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। वाई इज इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, साइन का डेरिवेटिव कॉस, 5 एज इट इज कॉन्स्टेंट, 6 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, 7 का डेरिवेटिव 0, 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया है गिवन फंक्शन का। आगे बढ़ते हैं, ये वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन एक्स माइनस 7 सीकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, टेन का सीकेंट स्क्वेयर होता है 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस माइनस 7 सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी सेकंड थी डेरिवेटिव्स वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये प्लीज इसके ऊपर वर्कआउट करें, ये प्लस टू में भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेरिवेटिव्स, और फर्दर इसके ऊपर प्लस टू में हमें मिलेगा टॉपिक इंटेग्रल्स, तो इसके ऊपर पूरी मेहनत करो। सो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।